नमस्कार दोस्तों, बहुत ज़्यादा दर्द के कारण आज मुझे हॉस्पिटल में आना पड़ा है। ये है खानपुर PGI, जो एक सरकारी अस्पताल है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ और आज यहाँ पर मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊँगा। देखते हैं कि क्या दिक्कत है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे ताकि पता चल सके कि ट्रीटमेंट क्या कराना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा जो पैर है उसमें काफ़ी दर्द हो रहा था काफ़ी दिन से, और राइट जो लेग है उसकी जो नी है उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन था। हुआ क्या था कि 2013-14 में मुझे चोट लगी थी खेलते हुए, तो लिगामेंट्स टूट गए थे उस टाइम पे। तो उस टाइम तो मैंने ट्रीटमेंट करा के ठीक करा लिया था, तब भी सीटी स्कैन MRI वगैरह करवाया था। तो मैं यहाँ कल आया हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल है मेरे पीछे खानपुर PGI, तो यहाँ पर मैं कल आया था। तो कल डॉक्टर साहब ने देखा और कहा कि आप एक बार MRI करा लीजिए ताकि पता चल जाए प्रॉपरली कि दिक्कत क्या है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। तो उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया और यहाँ पर मेरे कितने रुपए लगे, लगभग 2200 से ज़्यादा रुपए लगे हैं। बाहर जाता तो 7,500-8,000 रुपये लग जाते हैं, तो यहाँ पर ये पैसे कम ही लगते हैं सरकारी में। तो उन्होंने ईजिली मिल गया मुझे यहाँ पर ये सब, पता नहीं किस्मत लगा लीजिए, ईजिली मिल गया मुझे ये सब यहाँ पर। तो फिर कल मैं गया वहाँ पर सीटी स्कैन वाले एरिया में जहाँ पर MRI होती है, तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो मैंने कहा मेरा कल का बना दीजिए, यानी आज का, जो मैं आज यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं सुबह जल्दी उठा घर से और यहाँ पहुँचा, तो उन्होंने मुझे उस मशीन में लेटा दिया और 15-20 मिनट उस मशीन में रहा, और उसके बाद उन्होंने उसे निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट कल आएगी, यानी कि आज है संडे, यानी कल आएगी ये रिपोर्ट। तो कल रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि भाई क्या बात है, क्या समस्या है। तो कल रिपोर्ट आने दीजिए, फिर आपको शेयर करते हैं इस बारे में कि दिक्कत क्या है, लिगामेंट्स टूटे हुए हैं या कुछ और बात है। तो एक बारी वेट करते हैं और फिर आपको बताते हैं रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, जब तक रिपोर्ट आए तब तक आप वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अभी इधर बाइक खड़ी हुई है अपनी, बाइक ले लेते हैं एक बारी। तो दोस्तों, 2 दिन के बाद आज रिपोर्ट मिलनी है जो मेरे पैर में दिक्कत हो रही थी उसके लिए। तो मैं फिर से यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ, अभी मैं पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ और पीछे हॉस्पिटल है। तो अभी जाके मैं रिपोर्ट लूँगा उनसे और फिर देखेंगे कि समस्या क्या है। तो दोस्तों, रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ इसमें क्या क्या आया है। इसमें यह है कि भी थोड़ी सी इंजरी है नी के अंदर, थोड़ा सा ना हड्डियों के बीच में टकराव की वजह से, जो आपस में चोट लगने की वजह से उनमें थोड़ा सा फ्लूइड निकल गया है, तो उससे भी दर्द हो रहा है और बाकी चीज़ें नॉर्मल है। पहले काफ़ी टाइम पहले इसमें चोट लगी थी, थोड़ी सी कमज़ोर रहती हैं मसल्स और जो बोन है वहाँ पर, तो फिर से इस पर गहरा दबाव पड़ा जिसकी वजह से फिर से चोट लग गई। और दोस्तों, जो ये टेस्ट हुआ ये मैंने गवर्नमेंट के अंडर करवाया है, तो उसमें बाहर लगने थे 7,500-8,000 रुपये, यहाँ पर लगे हैं केवल 2,280 रुपये, जो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। और मेरा ना हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसमें मैं इसको क्लेम कर दूँगा, तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से भी ये चीज़ें वापस मिल जाएंगी। तो अभी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए, दवाई ववाई नहीं खानी है और दवाई खानी भी नहीं चाहिए इन चीज़ों के लिए। काफ़ी सारे लोग इनका ऑपरेशन भी करा लेते हैं लिगामेंट्स का, उससे भी काफ़ी दिक्कत होती है। मैं इसको ऐसे ही ठीक कर लूँगा साइकिल चला के और अच्छी कैल्शियम एंड प्रोटीन डाइट लेके। तो दोस्तों, अपना प्यार बना के रखिएगा, आपके लिए यूँ ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ अपनी लाइफ से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना, वेजिटेरियन फूड्स आर बेस्ट, उन पे डिपेंड रहिए, सबसे बेस्ट है।